Assalamualaikum. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरबोर्ड के बारे में, थ्री वेज टू फाइंड आउट जिसकी हेल्प से आपके डेस्कटॉप पे, आपके लैपटॉप में कौन सा मदरबोर्ड यूज हुआ है, किस कंपनी का है और उसका वर्जन कौन सा है, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में पता है देन काफी सारी चीजें जो है लैपटॉप में इनका आपको पता चल जाएगा, लाइक कौन सी रैम सपोर्ट कर रही है, कितनी स्पीड की रैम हमारे सिस्टम को सपोर्ट करेगी, हार्डवेयर के बारे में आपको पता चल जाएगा। मतलब काफी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको खुद ही पता चल जाएगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो ये हम जो मेथड है हमारे पास तीन है, इसको हम कमांड मेथड से भी फाइंड आउट करेंगे और रन मेथड से भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जहां सबसे पहले आपने कंट्रोल आर प्रेस करना है, देन आपके पास ये रन शो हो जाएगा। इसमें आपने लिखना है CMD, ओके करें। जब आपने ये ओके किया तो आपके पास इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है, ये शो हो गया। यहाँ पे आपने एक डायरेक्टली कमांड एड कर देनी है, वो कौन सी है, WMIC means Windows Management Instrumentation Command। यहाँ आपने ये लिख लिया, आपने स्पेस ऐड करनी है, स्पेस ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है बेसबोर्ड। यहाँ आपने बेसबोर्ड लिख लिया, ये बेसबोर्ड क्या है, ये मदरबोर्ड ही होता है, CMD में हम यहाँ बेसबोर्ड का वर्ड यूज करते हैं। तो आपने नेक्स्ट स्पेस देनी है, यहाँ पे लिखना है गेट, जो आपने गेट इस यहाँ से जो गेट लिखना है इसलिए क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो यहाँ पे आप गेट यूज करेंगे। इसके लिए स्पेस दें, स्पेस दें कि आपने प्रोडक्ट लिखनी है। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है क्योंकि हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, किसकी है, और दूसरा हमें मैन्युफैक्चरर कौन सा है इसका, ना तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लिखना है आपने। स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लिखना है। इसकी स्पेलिंग आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है, अगर थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा देन आपको ये कमांड शो नहीं करवाएगा रिजल्ट। यहाँ भी आपने अब इसको एंटर कर देना है। तो ये देखें हमारे पास मैन्युफैक्चरर यहाँ इस पे आ गया HP और प्रोडक्ट जो आ गई है वो हमारे पास आ चुकी है 8615। तो ये यहाँ पे हमने एक मेथड चेक कर लिया। तो ये देखें ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया जिससे आप चेक कर सकते हैं मेरा जो लैपटॉप है वो HP का है और जो हमारे पास यूज हो रही है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास 8615 है। तो आपके पास अपने लैपटॉप की शो होगी तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दूसरे मेथड पे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में आपने रन का यूज करना है, विंडो आर प्रेस करके आपने यहाँ पे ये रन का टेबल बॉक्स शो हो गया है, ये रन हमारे पास ओपन हो चुका है। अब इधर आपने लिखना है MS Info 32, यहाँ पे ये आपने लिख लिया, इसको ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास सिस्टम इंफॉर्मेशन आ चुकी है सारी। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल कमांड है, यहाँ पे आपको सिस्टम की सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, हर एक एक इन्फो के बारे में आप यहाँ पे जान सकेंगे। तो यहाँ पे आपने जस्ट चेक करना है बेसबोर्ड मैन्युफैक्चरर यहाँ पे HP है, बेसबोर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है 8615, जैसे हमारा जो हमने कमांड में यूज किया था सेम वही चीजें यहाँ पे भी आ चुकी हैं। और आप जब आप चेक करेंगे तो आपका लैपटॉप पे आपके अपने लैपटॉप की ये सारी चीजें आएंगी। तो बेसबोर्ड वर्जन है यहाँ पे वो भी दे दिया गया है। यहाँ पे ये मेथड हो गया, अब आपने आ जाना है थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड यहाँ पे क्या है, विंडो आर प्रेस करना है, विंडो आर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है DXDIAG, ये लिखना है और इसको ओके कर देना है। जब आप ये ओके करेंगे तो इसमें भी आपकी जो मदरबोर्ड की सारी डिटेल है, सारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। लाइक यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे देखें सेम वही आ रहा है, सिस्टम मैन्युफैक्चरर HP है, सिस्टम मॉडल के बारे में बताया गया है, यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में बताया गया है कौन सा यहाँ पे यूज हो रहा है, मेमरी यहाँ पे 16 GB रैम बताई गई है। इन तीन मेथड से आप अपने लैपटॉप पे मदरबोर्ड का पता लगा सकते हैं, कौन सा वर्जन है, कंपनी कौन सी इंस्टॉल्ड है, ये सारी चीजें आप पता लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं देन आपको इन चीजों के बारे में पता होना लाजमी है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।